अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मूसा आर्काइव में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस का वाक़या। आज से हजारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहां आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायत ही नेमतों और राहतों में थे, हर तरफ लहलहाती फसलें और फलों से लदे दरख्त थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। बाज मौरखीन ने लिखा कि बिल्किस के वालदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए के कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलते। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तजारत होती थी वो सिपाहियों के हाथों में थी। यही वजह थी कि यह कौम इंतहाई दौलतमंद थी। ये वो जमाना था कि मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में हजरत सुलेमान बिन दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद, परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई। एक रोज का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया, जिन्नो अंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने हुदहुद का पूछा कि कहाँ है। जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बहुत एहतराम से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखे, वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल जमुर्द जुड़े हुए हैं। इसके पास तमाम शाही सामान आराइश और नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्दअमल अख्तियार करती है और फिर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से मलका सबा बिल्किस की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मती होके मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह खत जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब यह खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि यह हमारी तोहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना होगा। मगर मलका समझदार थी, इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ, अगर इन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं इनसे जंग करूँगी, लेकिन अगर इन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूँगी क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगु सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले सारे रास्तों पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए, रास्ते में सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाए, वुज़रा और अम्वार सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए, दरबार को हीरे जवाहरात से मुजयन किया जाए। इधर बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीजें और मलका का एक खत भी था। जब ये तहाइफ लेकर कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब कुछ देखा तो शर्मिंदा हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा कि क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, मगर जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज्यादा है जो तुम्हें दिया, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। ये खबर मलका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा उसने जंग की बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो इनके आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए।
एक दियोहकल जिन ने कहा कि आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ। एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा कि मैं ये तख्त आपको आपकी पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए फायदेमंद है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज़ ने लिखा कि वो आपका खालाजान भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती, सुर्ख याकूब, सब्ज मुर्द जुड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्दोबदल कर दिया और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलकाई बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि गोया ये हूबहू वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा फरोश थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया, जब इसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक होज है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वह शर्मिंदा हुई और बोल उठी, अब मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही हूँ, और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्किस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का होश समझ बैठी, इसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक दमक देख कर इसे माबूद और खुदा समझ लिया था। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल मूसा आर्काइव को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ जुड़े रहें।